कृषी विद्यापीठांना कुठलीही गोष्ट सांगितली तर ते निधी नाही अशी उत्तरे देतात. विविध वेतन आयोगासाठी त्यांना केंद्र राज्य सरकारकडून निधीची गरज पडते. दुसरीकडे तुमच्याकडे कृषी विभागाची हजारो एकर जमीन उपलब्ध आहे, त्यावर सीड बँक तयार करा, नर्सरी निर्माण करून पैसे कमावून तुमचे खर्च भागवा, असा सल्ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कृषी विद्यापीठांना दिला. ते म्हणाले, विद्यापीठ जर कृषीच्या माध्यमातून पैसे उभारू शकत नाही तर शेतकरी कसा उभारणार, असा चिमटाही त्यांनी यावेळी काढलाय. अकोला येथील डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या दीक्षांत सोहळ्यात ते बोलत होते. व्यासपीठावर भगतसिंग कोश्यारी, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू यांच्यासह आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती. पुढे गडकरी म्हणाले, पारंपरिक पिकांद्वारे शेतकरी समृद्ध होऊ शकत नाही, आता शेतकऱ्याला अन्नदाता नव्हे तर ऊर्जादाता बनावे लागेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केलाय. कृषी विद्यापीठांना आपला माइंडसेट बदलण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजेच्या आधारावर संशोधन व्हावे. विदर्भातील शेतकऱ्यांना पीक घेताना येणाऱ्या समस्या, दर्जेदार रोपाची निर्मिती, कृषी उद्योगातून निर्यात वाढविणे आदी बाबत संशोधन करून शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याची गरज असल्याचे गडकरी यावेळी म्हणाले. विदर्भातून कापूस निर्यात करण्याचे माझे मानस असून येत्या काळात 17 देशात विदर्भाचा कापूस निर्यात करण्यात येईल. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविणे हे माझे ध्येय आहे. त्यासाठी कृषी विद्यापीठ मोठी भूमिका पार पाडू शकते. यासाठी विचारसरणीमध्ये बदल करून देशातील शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी कृषी विद्यापीठांनी कार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी दिले. पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नोकरी शोधणारे बनू नका, नोकरी देणारे बना. मलाही माझ्या आईने बँकेत नोकरी करण्यासाठी आग्रह केला होता, मात्र मी व्यवसाय निवडला आणि कृषी क्षेत्रातील माझ्या प्रकल्पातून 15,000 तरुणांना नोकरी उपलब्ध करून दिली, असल्याचे गडकरी म्हणाले. पंजाबराव कृषी विद्यापीठ हे आपल्या विदर्भातल्या शेतकऱ्यांकरता एक वरदान आहे. मी विद्यार्थी असताना या विद्यापीठाकरता मोठी चळवळ झाली होती. महाराष्ट्रामध्ये विदर्भात हे कृषी विद्यापीठ व्हावं याकरता मोठं आंदोलन झालेलं होतं. अनेक लोक शहीद झाले होते आणि त्या सगळ्यांच्या बलिदानातून विदर्भाला हे कृषी विद्यापीठ मिळालं आणि देशाचे पहिले कृषी मंत्री आणि शेतकऱ्यांना एक प्रकारे ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या विकासाकरता आपलं जीवन समर्पित केलं असं डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या नावाने या विद्यापीठाचं नामकरण झालं. आपल्या विदर्भामध्ये जर कृषी विद्यापीठ आहे तर विदर्भ में क्या समस्या है, विदर्भ के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, विदर्भ के क्रॉप्स कौन से हैं, विदर्भ में क्रॉप पैटर्न कैसे बदलना होगा, विदर्भ में एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन कैसे करना होगा, विदर्भ में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना होगा, इसका अध्ययन करके, इस पर रिसर्च करके, वैल्यू एडिशन करके नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना और इसके लिए आवश्यक सभी बातों को निर्माण करना, ये हमारी मॉरल और वैसे भी सभी प्रकार की जिम्मेदारी है. अगर हम गंभीरता से सोचेंगे तो 47 के बाद आज तक परिस्थिति में काफ़ी बदलाव हुआ है. जब महात्मा गांधी जी हमारे देश में स्वाधीनता का आंदोलन कर रहे थे तो वो कहते थे कि हमारा भारत गांवों में बसा है. तब 80% पॉपुलेशन हमारे गांवों में थी, पर आज हमारी पॉपुलेशन 65% हुई है. ये जो 25% पॉपुलेशन जो है, इसका माइग्रेशन हुआ है, इसका कारण क्या है? क्या ये खुशी से हुआ है? ये मजबूरी से हुआ है. गांव में किसानों के फसल को सही भाव नहीं, गांव के किसानों के बेटों को रोजगार नहीं, फसल के सही दाम नहीं, गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी नहीं, गांव में अच्छा अस्पताल नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी स्कूल नहीं, महाविद्यालय तो सवाल ही नहीं उठते. तो स्वाभाविक रूप से रोजगार के लिए बड़े प्रमाण पर जवान लोग गाँव को छोड़कर शहर की तरफ आने लगे और ये माइग्रेशन 25% हुआ. क्या इस स्थिति को हम बदल सकते हैं? हमारे देश के ग्रोथ रेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन 22-24% है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 52-56% है और हमारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन केवल 12% है. मैं आप सबको ये प्रार्थना करूँगा, मंच पर बैठे हुए डीन, हमारे प्रोफेसर, हमारे डॉक्टरेट मिले हुए सभी सम्माननीय अतिथियों को ये प्रार्थना करूंगा,
that is it possible that we can take our agriculture growth rate from 12% to 20% within 5 years? I feel that this is not a, it is a difficult task, but it's not an impossible task. ये हो सकता है और ये करने में हमारे यूनिवर्सिटीज़ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे बड़ी बात जो है इसमें हमें क्या क्या करना होगा इसका जो प्लानिंग इन डिटेल एंड प्लानिंग इन एडवांस करने की अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो किसानों को नीड बेस्ड रिसर्च के आधार पर मार्गदर्शन कर सकती है वो ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो इसकी विजन दे सकती है। Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।